नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बिहार में लगातार बारिश हो रही थी, खेत खलिहान बारिश के पानी से डूबा हुआ है। उसी वक्त नेपाल में भी बारिश हुई। नेपाल का पानी वाल्मीकि नगर भैंसा लोटन बराज से होकर गंडक नदी में पहुंचकर पश्चिमी चंपारण के शिवराजपुर पंचायत तथा भगवानपुर पंचायत बाढ़ चपेट में है। गंडक नदी का पानी उफान की सीमा पर लगातार है, पानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बारिश होने और बाढ़ के कारण बेतिया से गोपालगंज के बीच का मुख्य सड़क टूटने की कगार पर है। गोपालगंज पुलिस के निगरानी में सड़क की सुरक्षा किया जा रहा है। बहुत से लोग उपस्थित होकर दृश्य को देखकर मन से सनसनी उत्पन्न कर रहे होंगे। लोगों में बाढ़ के पानी से लोगों के मन में डर दिखाई दे रहा है। ग्रामीण लोग मुख्य सड़क की सुरक्षा में लगे हुए हैं। गोपालगंज के मार्ग को ध्वस्त को सुनकर उसकी रक्षा में बहुत दूर से लोग आए हैं। गोपालगंज पुलिस निगरानी में थी। निरीक्षण में तैनात अंचलाधिकारी विवेक कुमार मिश्रा भी पहुंचे थे। ऑक्सफोर्ड पब्लिक हाई स्कूल के डायरेक्टर अवध यादव उपस्थित हुए हैं। यदू पार्टी के उप प्रखंड अध्यक्ष अशोक पांडे मौजूद थे। ग्रामीण लोग भी मौजूद थे।